नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज शनिवार है और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शनिवार को रांची के रिम्स में लालू प्रसाद से मिलने के लिए तीन नेता पहुंचते हैं या तीन वो नेता होते हैं जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं। तो आज इस कड़ी में पहुंचे बिहार के दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के विधायक ललित यादव। ललित यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, क्या कुछ कहा पहले आप सुने। उद्देश्य हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सेहत और हालचाल जानने आए थे। मुख्य उद्देश्य यही था और सेहत जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी तो है नहीं। बिहार की राजनीति पे बात हुई, तेजस्वी और लालू परिवार कल सदस्यता अभियान था, कटे कटे नजर आए। हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष है तो राजनीतिक चर्चा हो नहीं हो, स्वास्थ्य का हम लोग हालचाल लेने आए थे, कुछ ना कुछ बात तो निकल के आती ही है। मतलब क्या चर्चा हुई? नहीं, राजनीति का कोई खास विशेष चर्चा नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिहार विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं, मुख्य विरोधी दल पार्टी की ओर से, तो क्या पार्टी की गतिविधि विधानसभा में ही हल्का एक घंटा तो ऊपर आप लोग बातचीत की, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, स्वास्थ्य के हालचाल, वही स्वास्थ्य संबंधी इनका हालचाल क्या है। नहीं नहीं, हम लोग स्वास्थ्य हालचाल लेने आए थे, कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसी है, तो पूरी संतोषजनक तो नहीं है। ललित जी, तेजस्वी यादव कल सदस्यता अभियान था, पार्टी से कटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीति से वो कभी कटे हुए नहीं है, वो हमेशा सक्रिय है राजनीति में, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ सके। आ रहे हैं, आ जाएंगे, आज ही फिर पटना पहुंच रहे हैं। सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, ऑल इज वेल। तो आपने सुन लिया, ललित यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी अच्छी उनकी तबीयत नहीं है, लगातार जो स्वास्थ्य है उसको लेकर वो सभी चिंतित हैं। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे बातचीत के दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर एक घंटा से अधिक तक आप लोगों ने बातचीत की तो क्या बिहार की सियासत को लेकर भी बातचीत हुई, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, बस स्वास्थ्य को लेकर ही बातचीत की गई। आपको बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। उसके साथ साथ राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, उन्होंने भी लालू साथ से मुलाकात की। और तो आप बने लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecity.in पर जाएं। धन्यवाद।